नमस्कार दोस्तों और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे जहाँ तक कि नीट की तैयारी का सवाल है। और आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं नीट 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किन टॉपिक्स पे एम्फेसिस करना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता चलती हैं। और इसलिए हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन लेके आए हैं। और ये सेशन जो है ये बायोलॉजी के लिए है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2017 के नीट पेपर का, और उसमें भी उसका कोड क्या है ए और उसका सेट क्या है APRA आपरा। तो क्योंकि 2017 में चार सेट थे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स थे, तो ये सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये APRA है और इसका कोड है ए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे इसमें उसी सीक्वेंस में जाएंगे जिस सीक्वेंस में इस कोड में ये क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 91। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? 1 जिम्नोस्पर्म, 2 एल्गे, 3 फंजाई या फिर 4 एंजियोस्पर्म। तो जहां तक डबल फर्टिलाइजेशन का सवाल है, अगर आपने 2018 का पेपर देखा है तो वहां पर भी कुछ सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन पे पूछा गया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है कि क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में जिनमें कि फ्लावर होते हैं उनमें क्या है कि दो बार मेल गैमेट फ्यूज करता है। पहला जो है उसको हम सिनगैमी बोलते हैं, और सिनगैमी में क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, जो एग सेल है उसके साथ एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा। तो अगर हम अपैरेटस ही देख लेते हैं तो यहाँ एक एग सेल है, फिर सिनेजिट्स हैं, फिर यहाँ पे न्यूक्लियाई हैं जिनसे कि दूसरा मेल गैमेट जा करके फ्यूज करेगा। तो पहला जो है वो एक के साथ फ्यूज करता है जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, जिससे कि जाइगोट फॉर्म होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। दूसरा क्या है उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो एक मेल गैमेट जो है, दो मेल गैमेट होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज हो गया और दूसरा है जा करके यहाँ पर दो जो न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूज हो जाएगा, और यही वजह है कि एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लॉयड होता है, 3N कंडीशन होता है। और चूंकि एंजियोस्पर्म में ये दो बार मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जिबिटेड बाय एंजियोस्पर्म, और ये एंजियोस्पर्म में ही ये पाया जाता है। और इसका क्या है, दो टाइप जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 एंजियोस्पर्म्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, बहुत ही सेलाइन कंडीशन जहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी पानी में, उस कंडीशन में इनमें से कौन सा जो है पाया जाएगा? 1 आर्किबैक्टीरिया, 2 यू बैक्टीरिया, 3 साइनोबैक्टीरिया एंड 4 माइकोबैक्टीरिया। तो आपकी जो एक स्वीट सी सिंपल सी एनसीईआरटी की किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि आर्किबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। आर्किबैक्टीरिया जो है ये बहुत ही पुराना टाइप है और ये इनमें वो क्षमता होती है कि ये बहुत ही हार्श कंडीशंस को या बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ब्रांच लिपिड चेन इन सेल मेम्ब्रेन। इनके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड चेन पाया जाता है जिसके कारण द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन गेट्स रिड्यूस्ड। तो इसकी वजह से दे कैन विदस्टैंड, एंड दे आर मेजरली ऑफ 3 टाइप। इनके 3 प्रकार होते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। और इसमें से जो ये हेलो फाइल्स है ना, हेलो शब्द ही है सेलिनिटी के लिए, फाइल्स फीलिंग मतलब उनको सेलिनिटी से प्यार है, तो इसलिए जो हेलो फाइल्स है आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन सेलाइन हैबिटेट्स। तो ये जो है ये सेलाइन कंडीशन को आसानी से
सस्टेन कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, और यहाँ हमको पता करना है कि इनमें से कौन सा मिसमैच है, इनकरेक्टली मैच्ड है। सिलेक्ट द मिसमैच। 1 फ्रैंकिया एलनस, 2 रोडोस्पाइरिलम माइकोराइजा, 3 एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सर, 4 राइजोबियम अल्फा अल्फा। तो इसमें अगर हम देखें तो जो रोडोस्पाइरिलम और माइकोराइजा कहा गया था, तो रोडोस्पाइरिलम जो है इसका माइकोराइजा से कोई लेना देना नहीं है। रोडोस्पाइरिलम एक एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ये क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जबकि माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये वो रिलेशनशिप है जिसमें बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिटेड, दोनों ही जो प्राणी है ऑर्गेनिज्म को लाभ पहुंचता है। और इसमें क्या है, फंजाई और हाइयर प्लांट्स का जो रूट्स है उसका जो एसोसिएशन है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। तो रोडोस्पाइरुलम और माइकोराइजा जो हो जाएगा वो मिसमैच्ड पेयर हो जाएगा। बाकी फ्रैंकिया बिल्कुल एलनस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, एनाबिना एक नाइट्रोजन फिक्सर है, और रोडोस्पाइरुलम भी, सॉरी राइजोबियम भी अल्फा अल्फा से लिंक्ड है। रोडोस्पाइरुलम और माइकोराइजा का कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए ये मिसमैच पेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 एक अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हम जानते हैं कि डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव करता है अलग अलग स्पीड में, तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट मूव करता है, कुछ ज्यादा दूर चला जाता है, कुछ कम दूर ट्रेवल करता है, ये इसका क्या क्राइटेरिया है या किस बेसिस पे ये मूवमेंट होता है। 1 द लार्जर फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जितनी बड़ी साइज होगी फ्रैगमेंट की वो उतनी दूर जाएगा। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जितना छोटा साइज होगा फ्रैगमेंट का वो उतनी दूर जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा दूर जाते हैं। या ऑप्शन 4 नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव, यानी कि जो फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव ही नहीं करते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए खुद एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसका जो बैकबोन है वो फॉस्फेट से बना हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जिसके कारण ओवरऑल चार्ज जो है वो डीएनए का नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इसी वजह से ये मूव करते हैं पॉजिटिवली चार्ज साइड में इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जब मूवमेंट होता है इसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द फ्रैगमेंट पे, कि कितना बड़ा है, और इसका क्या है, ये सीविंग इफेक्ट होता है। सीविंग मतलब जो एगरोस जेल है वो एक छन्नी की तरह काम करता है, जैसे कि हम चाय छानते हैं तो हम जानते हैं चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे जाता है, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड जो है उस पोर्स के थ्रू इजिली जा सकता है। वैसे ही जो हमारा एगरोस जेल जो होता है वो उसमें बहुत बारीक पोर्स होते हैं, और जो फ्रैगमेंट जितना छोटा होगा वो आसानी से उस पोर से जा सकता है, इसलिए जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा वो उतनी दूर जेल प्लेट पे मूव करेगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जितनी छोटी फ्रैगमेंट साइज होगी वो उतनी दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंस मतलब कि किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए, और रिवॉर्ड्स है उसको पुरस्कृत करने के लिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है। 1 एनिमोफिली, 2 एंटीमोफिली, 3 हाइड्रोफिली, 4 क्लिस्टोगैमी। तो ये सब किस चिड़िया का नाम है वो देख लेते हैं। एनिमोफिली जो है वो क्या है, विंड पोलिनेटेड। हाइड्रोफिली है पोलिनेटेड बाय वाटर। तो ये जब विंड पोलिनेट हो रहा है या वाटर से हो रहा है तो ये सब नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको प्लांट्स को जरूरत नहीं है कि ये विंड को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कलरफुल फ्लावर बनाए या कुछ भी। जो फ्लावर कलर है, जो अट्रैक्टेंट्स है या नेक्टर देना, ये सब क्या है, वो अट्रैक्टेंट्स है, ठीक है। फ्लावर कलर अट्रैक्टेंट है, और जब इंसेक्ट उस पर आता है इन इंसेक्ट पोलिनेशन, जिसको हम एंटीमोफिली कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो नेक्टर उनको मिलता है वो क्या है, उनका रिवॉर्ड है, ठीक है। तो अट्रैक्टेंट वो फ्लावर कलर है जो कि उनको अट्रैक्ट करता है, रिवॉर्ड क्या है, नेक्टर है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्लांट का क्या है, वो पोलिनेशन का पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स प्रोवाइड रिवॉर्ड्स एज एडिबल पोलन ग्रेन एंड नेक्टर, वो नेक्टर और पोलन ग्रेन जैसा रिवॉर्ड देते हैं। व्हाइल सम प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर डिपोजिशन ऑफ एग फॉर द इंसेक्ट्स। ये सारे रिवॉर्ड्स है, और ये सब किस में होता है, एंटीमोफिली में।
अब इन तीन को छोड़े जो क्लिस्टोगेमी है, क्लिस्टोगेमी में फ्लावर डिपेंडेंट है ही नहीं किसी चीज पे, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए ही बना है, क्योंकि इट अकर्स विद इन परमानेंटली क्लोज फ्लावर। जो जो फ्लावर है या फूल है वो कभी खिलता ही नहीं है, वो बंद ही रहता है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के ओवम को फर्टिलाइज करे और कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, तो इसके लिए इनको अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन टू, एंटीमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेटेड कंडीशन में अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इनमें से किन में सिर्फ डेड कोशिकाएं हैं, लिविंग नहीं है। वन जाइलम पेरेन्काइमा, टू कोलेन्काइमा, थ्री फेलेम और फोर फ्लोएम। तो इसको देख लेते हैं क्या, जो कॉर कैम्बियम है वो क्या होता है, वो पेरिक्लिनल डिवीजन करता है, वो बाहर की तरफ भी सेल्स को कट करेगा, अंदर की तरफ भी। जो बाहर की तरफ होते हैं डिवीजन, कट्स ऑफ थिक वॉल्ड सुबेराइज डेड कॉर्क सेल्स टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड इट कट्स ऑफ थिन वॉल्ड, अंदर की तरफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स को कट करता है, जिसको कि हम फेलोडर्म कहते हैं ऑन इनर साइड। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फेलेम, क्योंकि यह डेड है। अगर आपको फेलेम नहीं भी पता है, फिर भी अगर आपका क्लास नाइन्थ का भी बायोलॉजी याद करें, तो वहां हम जानते हैं सिंपल और कॉमन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा है, और सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सब लिविंग में आते हैं, तो ऑब्वियसली ये लिविंग सेल है। और फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स सेल है, इसमें दोनों ही कॉम्पोनेंट्स है, लिविंग डेड दोनों है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फ्लोएम जो है कम्प्लीटली डेड है। इसलिए ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा। अगर आपको ये भी मालूम है तो उससे भी आप उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून सिक्रीट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून है, इसमें से कौन सा सेल, उसका किस टाइप का सेल में एंटीबैक्टीरियल लाइसोजोम सिक्रीशन होता है। वन आर्जेंटाफिन सेल, टू पेनेथ सेल्स, थ्री जाइमोजेन सेल्स और फोर कफर सेल्स। तो देख लेते हैं ये चारों चीज हैं क्या। तो कफर सेल्स जो है ये फेगोसाइटिक सेल्स है, ये क्या है, ये दूसरे सेल्स को खा लेंगे या दूसरा कोई पैथोजन है, कुछ भी है, फेगोसाइटिक सेल्स हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में। वैसे जाइमोजेन जो है, जाइमोजेन्स आर सेल्स और आर एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स। जाइमोजेन अगर आप नाम ही देखें तो एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए है, वो नाम से ही पता चल जा रहा है। अब जो पेनेथ सेल्स है, पेनेथ सेल्स सिक्रीट लाइसोजोम विच एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, यही तो पूछा गया है। और आर्जेंटाफिन सेल्स का काम क्या है, दे प्रोड्यूस सम हॉर्मोन्स, जिसका कि एंटीबैक्टीरियल इंपैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वैसे क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू, पेनेथ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो पूछ रहा है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लियेटी। हम सब जानते हैं कि जो एडल्ट ह्यूमन का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो ई न्यूक्लियेट है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ड्यूरिंग मैच्यूरेशन जो न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, यानी दिए गए में से हमें पता करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इस जो ई न्यूक्लिएशन जो होता है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, किस कारण से होता है या किस उससे सेल को क्या फायदा होगा। ए दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि आरबीसी को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बी दे आर सोमैटिक सेल्स, सी दे डू नॉट मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज नहीं करते हैं। डी ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और उसी बेसिस पे हमारा ऑप्शन दिया गया है, वन ओनली डी, टू ओनली ए, थ्री ए सी एंड डी, फोर बी एंड सी। तो अगर हम सारे ऑप्शन को देखें तो इन ह्यूमन आरबीसीज, ह्यूमन के आरबीसीज भी क्या है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के वक्त हो जाता है, और इससे क्या होता है, विच प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, यानी उसके लिए स्पेस होता है और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आरबीसी की वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं आरबीसी का मेन पर्पस है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो अगर उस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा स्पेस होगा तो वो इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। और इतना ही नहीं, इट लैक्स मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया भी, वरना क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया
क्या करेगी, जो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट होने की बजाय माइटोकॉन्ड्रिया विल एंड अप यूजिंग इटसेल्फ, खुद ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इस वजह से ये सेल ऑर्गेनेल भी डिसइंटीग्रेट और डीजेनरेट हो जाती हैं मैच्यूरेशन के वक्त। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, ओनली डी, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर का जितना भी इंटरनल स्पेस है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाए, इसलिए आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, द हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को लिवर में लाती हैं कहाँ से, वन हार्ट, टू स्टमक, थ्री किडनीज एंड फोर इंटेस्टाइन। तो इसमें जो है ना हेपाटिक पोर्टल सिस्टम ऐसा है कि हेपाटिक पोर्टल वेन कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम वो कहाँ से कैरी कर रही हैं, इंटेस्टाइन से लिवर। और पोर्टल वेन हम किसको बोलते हैं, वो ऐसा वेन है जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी पे ही एंड हो जाता है, ठीक है। यूजुअली हम क्या जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन से जो वेन्स है वो ब्लड को कहाँ ले जाएंगी, हार्ट पे ले जाएंगी, ठीक है। और हार्ट से क्या होता है, ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन तक आता है। लेकिन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है हमारा, अब यहां से इसको चले जाना था डायरेक्टली हार्ट में, लेकिन ये डायरेक्टली हार्ट में नहीं जा करके पहले लिवर में जाता है, उसके बाद हार्ट जाता है। तो ये जो बाईपास रूट उन्होंने लिया है इसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो वो इंटेस्टाइन की कैपिलरी से स्टार्ट होगा और लिवर की कैपिलरी पे खत्म हो जाता है। और इसका पर्पस क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटेस्टाइन से लाके लिवर में डालता है, और लिवर जो है उसको रेगुलेट करेगा कि कितना अमाउंट ब्लड में जाना चाहिए, जो कि बाकी सेल्स को भी जरूरत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो है, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। तो हम सब जानते हैं कि डीएनए से पहले थोड़ा सा विवाद था, डिबेट था कि डीएनए नहीं, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जो फाइनल प्रूफ है कि नहीं भाई, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस सिद्धांत की स्थापना मतलब किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी, किसके एक्सपेरिमेंट से, यहाँ साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। वन ग्रिफिथ, टू हर्षा एंड चेस, थ्री एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एंड फोर हरगोबिंद खुराना। तो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, हर्षा एंड चेस गेव अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब इसमें और कोई दोराय नहीं है कि उस टाइप का उन्होंने प्रूफ दिया, विच एंडेड द डिबेट बिटवीन प्रोटीन एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और उनके एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, साइंटिस्ट के नाम, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया, ये सारे चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां तक कि आपके नीट के एग्जाम का सवाल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर टू, हर्षे एंड चेज। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, आपको अगर नहीं आता हो, आता हो, ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, विदाउट अ डेफिनाइट सेल वॉल, इसी से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, वन बेसिलस, टू स्यूडोमोनास, थ्री माइकोप्लाज्मा, फोर नॉस्टॉक। तो इनमें से क्या है ना, जो माइकोप्लाज्मा है दे आर द स्मॉलेस्ट एंड वॉललेस प्रोकैरियोट्स, उनका क्या है वॉल नहीं होता है, एंड दे आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर एंड दीज आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोनों ही प्लांट और एनिमल के लिए वो क्या है, पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 102 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन वन, कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद सेग्रीगेशन, उसके बाद टीलोफेज। क्रॉसिंग ओवर आ गया तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें माइटोसिस को देखना है, मियोसिस को नहीं।
ऑप्शन टू है कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, उसके बाद अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, उसके बाद सेंट्रोमियर का डिवीजन और उसके बाद सेग्रीगेशन, उसके बाद फिर टीलोफेज। ऑप्शन थ्री कह रहा है कंडेंसेशन क्रॉसिंग ओवर, तो इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम माइटोसिस को देख रहे हैं। ऑप्शन फोर है कंडेंसेशन अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर माइटोसिस के इवेंट्स किस सीक्वेंस में होते हैं। माइटोसिस का जो इवेंट्स है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहला है कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है कि वो बहुत ही फ्यूज तरीके से, ठीक है, आप एक धागे की रील को लीजिए और पूरा धागा निकाल के ऐसे एक बॉल बना दीजिए, वो डीएनए फ्यूज कंडीशन में हो जाएगा। अब उसी धागे को आप वापस से रील में डाल दीजिए तो वो एक जगह कंडेंस होकर के दिखता है, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपने देखा है कि डीएनए बहुत ही मेटिकुलसली पैक्ड होता है, तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए जो है वो कहाँ स्टार्ट होगा, ये प्रोफेज, जो अर्ली प्रोफेज है या मिड प्रोफेज है उसी में होता है, और उसके बाद ही जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लगता है। ऑप्शन टू कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली बिगिंस एट लेट प्रोफेज और ट्रांजिशन मेटाफेज। तो कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। तो सेल के अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियस है और हम जानते हैं कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, तो ये कब होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद होता है, लेट प्रोफेज या जब प्रोफेज से मेटाफेज में ट्रांजिशन हो रहा है तब होता है। अब प्रोफेज के बाद क्या है, मेटाफेज आ जाता है, और मेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं, और यहाँ आपका ऑपोजिट पोल्स है और ये स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और ये एनाफेज में होता है, ठीक है, तो आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और ये डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाती हैं। तो नेक्स्ट हो गया सेंट्रोमियर डिवीजन। अब सेंट्रोमियर डिवीजन के बाद जो है ये सेग्रीगेशन पूरा कंप्लीट होगा, जो सेल से एकदम क्रोमोसोम है वो पोल्स की तरफ चले जाएंगे, और फाइनली क्या होता है, टीलोफेज, जो कि दो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई फॉर्म कर देता है, जिसमें डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू कंडेंसेशन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, उसके बाद अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन और फिर टीलोफेज। हालांकि ऑप्शन फोर भी देखे तो कंडेंसेशन अरेंजमेंट सेंट्रोमियर डिवीजन सेग्रीगेशन टीलोफेज हो रहा है, लेकिन ये चीज मिसिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, इसलिए ऑप्शन टू को हम ज्यादा सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। तो एंजाइम के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से सही है। वन, एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम के बराबर है। होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम के बराबर है। को एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम को एंजाइम प्लस को फैक्टर है। तो होलो एंजाइम जो वर्ड है ना, ये होलो मतलब क्या होता है, होल, पूरा एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। और होलो एंजाइम क्या है, इज अ कंजुगेटेड एंजाइम विद प्रोटीन पार्ट, और उसके प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम को फैक्टर बोलते हैं। तो एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। कभी कभी को एंजाइम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम, कभी कभी को फैक्टर की जगह क्या आते हैं, को एंजाइम भी आ सकता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका एसोसिएशन एपो एंजाइम के साथ बहुत ही ट्रांजिएंट होता है, टेम्पररी होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 104 जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हम सभी जानते हैं कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं वो किस चीज के इलोंगेशन के लिए यूज होते हैं। वन, द लीडिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। टू, लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। फोर, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क।
तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देख लें तो ये एक्सप्लेनेशन है, पर मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ कि जो डीएनए है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो ओपन होंगे, तो ये जो ओपन होता है इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। और डीएनए हम जानते हैं कि एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो अगर ये 5' to 3' है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' होगा। और हम ये भी जानते हैं कि डीएनए सिंथेसिस जो होता है पॉलीमरेज के द्वारा वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगा, तो ये क्या है कि ये इस डायरेक्शन में होगा 5' to 3', और इसलिए क्या है ये कंटिन्यूअस होगा, और इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरा स्टैंड है वो हम देख रहे हैं कि ये ऐसा है, तो अगर इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होना चाहे तो ये 3 to 5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस स्ट्रैंड में क्या है कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डीएनए की सिंथेसिस होती है, जिनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, और ये सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। और आप ये देख सकते हैं कि जब ये बन रहा है तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर की तरफ जा रहा है, और इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को इलांगेट करने के लिए यूज होते हैं, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक, इनमें से कौन सा पॉलीमरिक नहीं है, 1 न्यूक्लिक एसिड, 2 प्रोटीन्स, 3 पॉलीसेक्राइड्स, 4 लिपिड्स। बहुत ही आसान, सिंपल और सीधे सीधी पूछा गया है। जब हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का, पॉलीसेक्राइड किसका पॉलीमर है, मोनोसेक्राइड्स का, लेकिन सिर्फ जो एक लिपिड ही है ये पॉलीमर नहीं है, ये क्या है, ये एस्टर है फैटी एसिड और अल्कोहल का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 लिपिड्स, क्योंकि लिपिड पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 जो है, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का वो रीजन विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है, कानूनी तरीके से प्रोटेक्टेड है, और जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, मानव का एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वो कौन सा है, 1 कोर जोन, 2 बफर जोन, 3 ट्रांजिशन जोन और 4 रेस्टोरेशन जोन। तो इसमें अगर हम देखें जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, मल्टीपर्पज एक्टिविटी के लिए होता है, और इसके 3 जोन होते हैं। सबसे पहला है कोर जोन, जो सबसे सेंट्रल जोन है, और ये कोर जोन जो है ये यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा बफर जोन, बफर जोन में बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, परमिटेड होती है, जिसके लिए आपको परमिशन भी लेना होगा। और फिर आता है ट्रांजिशन जोन, और ट्रांजिशन जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ये सब अलाउड है, ह्यूमन सेटलमेंट, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सब सारी चीजें अलाउड है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन में से हम देख सकते हैं कि कोर जोन जो है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 106 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोर जोन। क्वेश्चन नंबर 107 है, अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, तो जो डायोशियस प्लांट है यानी कि जो प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होंगे, कि मेल फ्लावर एक प्लांट में, फीमेल फ्लावर एक प्लांट में, उसको हम डायोशियस प्लांट बोलते हैं। अब इस टाइप का जो सिस्टम है नेचर में वो किस चीज को प्रिवेंट करता है, 1 ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी, 2 ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी, 3 किटिनोगैमी एंड जीनोगैमी, 4 क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। तो इसमें से जो ऑटोगैमी है वो कंडीशन होता है जब पोलेंस ऑफ सेम फ्लावर सेटल्स ऑन द स्टिग्मा और फर्टिलाइजेस द ओवम ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों ही है, आपका पिस्टिल भी है, एंथर भी है, और उसी के पोलन से वो फर्टिलाइज होगा, ये ऑटोगैमी है। अगर एक ही प्लांट में एक जगह मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, तो उसका पोलेंस आके फीमेल फ्लावर पे सेटल होगा, ये गिटिनोगैमी है, ठीक है। लेकिन जब डायोशियस प्लांट होते हैं तो एक प्लांट में फीमेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट में मेल फ्लावर है, तो
तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है नेचर में, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑटोगैमी गेटरोगैमी को अवॉइड करने के लिए ही होता है और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए होता है. तो व्हेन यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जब ये यूनिसेक्सुअल मेल फीमेल प्लांट अलग अलग प्लांट्स में होंगी, द कंडीशन इज कॉल्ड डायोशियस एंड इट प्रिवेंट्स द ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू, ऑटोगैमी एंड गिटिनोगैमी. क्वेश्चन नंबर 108 है, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में एक अस्थाई एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा. टेम्पररी बनता है फिर खत्म हो जाएगा, फिर बन सकता है फिर खत्म हो जाएगा. 1 पाइनियल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, 2 कॉर्पस कार्डियकम, 3 कॉर्पस ल्यूटियम, 4 कॉर्पस एलाटम. तो इन सारे ऑप्शंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. ये क्या है, एक अस्थाई एंडोक्राइन ग्लैंड है. और ये कैसे बनता है, जो हमारा जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है, जिससे कि ओवम रिलीज होगा, तो बाकी की जो सेल्स वहां पे बच गई हैं वो क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, ओवरी के अंदर. और उनका क्या काम होता है, दे रिलीज हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजेन. और ये दो हार्मोन्स क्या है, ये बहुत ही जरूरी है किसके मेंटेनेंस के लिए, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए. अगर इसकी मात्रा खून में कम हो जाए, ब्लड में इसकी कमी हो जाए, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा और एंटायर प्रिपरेशन फॉर द जायगोट विल बी स्लॉट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मंथली ब्लीडिंग, ठीक है. तो उसमें क्या है कि जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कुछ दिन तक ही रहता है. अगर फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम सस्टेन होता है और ये रिलीज होते रहेगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. और इसके डिसइंटीग्रेट होते ही के साथ और रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के होने के साथ ही जो ब्लड है उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो जाएगा और क्या, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, कॉर्पस ल्यूटियम. क्वेश्चन नंबर 109 है, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ये जो मैच द फॉलोइंग है, उसमें कॉलम 1 में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उनके कॉजिटिव एजेंट दिए हुए हैं. और आपको क्या करना है, इसको मैच करना है और जो दिए गए ऑप्शंस है उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन का पता लगाना है, ठीक है. तो हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं. गोनोरिया हम जानते हैं, ये निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है जिससे द्वारा ये होता है. साइफिलिस फिर से ट्रेपोनेमा पैलिडम है जिससे सिफिलिस होता है. जेनिटल वार्ट्स वायरल है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होता है. और एड्स हम सब बहुत ही कॉमन है, ये किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, HIV से. इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A2, B3, C4 एंड D1, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 और क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी. तो जो टिश्यू या ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होते हैं किसी भी पेशेंट की बॉडी में, तो उसका कई बार क्या होता है कि पेशेंट की अपनी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे जो भी टिश्यू या ऑर्गन भले ही पेशेंट की फायदे के लिए ट्रांसप्लांट किया गया हो, लेकिन वो है तो एक फॉरेन सेल. और आपका जो बॉडी सेल है और बॉडी मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो इसको एक फॉरेन पार्टिकल के जैसे ही देखता है और इसलिए चाहेगा कि उसको जल्द से जल्द नष्ट किया जाए. इसी वजह से क्या होता है, नॉन एक्सेप्टेंस या ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा. तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ्ट रिजेक्शन है, इसके लिए किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन. ए और 1 ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, 2 सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, 3 हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स एंड 4 फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स. तो इसमें क्या है, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली जो है नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू इज ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, सेल मीडिएटेड
इम्यून रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ 1 प्लांट्स, 2 फंजाई, 3 एनिमल्स एंड 4 बैक्टीरिया। तो स्प्लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्प्लाइसोसोम्स आर यूज्ड इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA इन यूकैरियोट्स। ओनली अ स्प्लिट जीन्स आर एब्सेंट एज प्रोकैरियोट्स। अब स्प्लिट जीन क्या है? देखो, जो यूकैरियोटिक mRNA है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इनमें क्या है कि कुछ दूर कोडिंग रीजन है, उसको हम एग्जॉन बोलते हैं, फिर नॉन कोडिंग आ जाता है, इसका इसको कुछ काम नहीं है मगर यहाँ पर है, इसको हम इंट्रॉन बोलते हैं। वैसे ही फिर दूसरा एग्जॉन होगा, दूसरा इंट्रॉन भी होगा। तो यहाँ क्या होता है कि हमें ये इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है और एग्जॉन्स को ऐड करना होता है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के अंडर में होता है। और ये एग्जॉन इंट्रॉन टाइप का अरेंजमेंट जो है ये सिर्फ यूकैरियोट में होता है। मतलब क्या है कि जीन जो है स्प्लिट है, कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि प्रोकैरियोट में जीन्स जो होती हैं स्प्लिट नहीं होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। इसलिए वहां पर स्प्लाइसोसोम फॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्लाइसोसोम का जरूरत होता है इसको हटाने के लिए, इंट्रॉन्स को हटाकर एग्जॉन्स को ऐड करने के लिए। इसलिए ये सिर्फ यूकैरियोट में होगा और इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्वेश्चन नंबर 112 जो है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गाइज। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो इमीडिएटली आंसर कर दोगे कि कोलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल क्या है। 1 क्लोरेला, 2 वॉलवॉक्स, 3 यूलोथ्रिक्स, 4 स्पायरोगायरा। तो इसमें से जो वॉलवॉक्स है वो क्या है, एक मोटाइल है और कोलोनियल फ्रेश वाटर एल्गा है, जिसमें कि क्या है विथ डेफिनाइट नंबर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। इसमें काफी सारे सेल्स का एक क्लस्टर होता है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और वो कॉलोनियल एल्गी है। उसके अलावा जो है, जैसे क्लोरेला है वो यूनिसेलर है, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स क्या होते हैं, ये फिलामेंटस एल्गा है। इसलिए 2 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल क्या होगा, वॉलवॉक्स। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर्स ऑफ हॉर्स। मतलब जब हॉर्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं टैक्सोनॉमी में तो उसका ऑर्डर क्या होगा। 1 इक्विडे, 2 पेरिसोडक्टाइली, 3 कैबालस एंड 4 फेरस। ठीक है, तो इसमें से जो पेरिसोडक्टाइला है वो क्या है, वो ऑर्डर है हॉर्स का। हॉर्स बिलोंग्स टू ऑर्डर पेरिसोडक्टाइला ऑफ क्लास क्या है, मेमेलिया। पेरिसोडक्टाइला इंक्लूड्स ऑड टोड मैमल्स, ऑड टो जिनके टो में ऑड नंबर्स होगा वो वह मैमल्स पेरिसोडेक्टाइला में आते हैं। इसलिए 2 जो है करेक्ट है। इक्विडे क्या है, वो फैमिली हो जाती है, और कैबलस और फेरस स्पीशीज है हॉर्स के, इसलिए भी ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 114 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP। लंबा चौड़ा रबर बैंड के जैसा खींच दिया गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसा सिंपल और सरल क्वेश्चन नहीं पूछ के उन्होंने पूछा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी, यानी ATP प्रोडक्शन होगा किससे, कार्बोहाइड्रेट से। 1 लाइसोसोम, 2 राइबोसोम, 3 क्लोरोप्लास्ट, 4 माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, वो साइट ऑफ एरोबिक ऑक्सीडेशन का साइट है। और यहाँ क्या होता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन में कार्बोहाइड्रेट जो हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज होगा, उसका ब्रेकडाउन होता है किस लिए, ATP जनरेट करने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 115 जो है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन का जो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का बिफोर मार्केटिंग, इसको हम क्या कहते हैं। 1 अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, 2 डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, 3 बायो प्रोसेसिंग, 4 पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये 2 फेजेस में बटा होता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है, बायोसिंथेटिक स्टेज है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हमें चाहिए किसमें, इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT का जो अपस्ट्रीम है।
और ये जो बायोसिंथेटिक स्टेज है इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। जब इसके बाद वाइल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस विच इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। यानी बायोसिंथेसिस के बाद हमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स में ले जाना होगा ताकि हम उसको प्यूरिफाई कर पाए मार्केट तक भेजने के लिए। और ये जो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का स्टेप है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टू, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब क्वेश्चन नंबर 116 है, माइकोराइजे आर एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा जो है एक किस चीज का एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, वन फंगिस्टासिस, टू एमेंसलिज्म, थ्री एंटीबायोसिस, फोर म्यूचुअलिज्म। तो माइकोराइजा सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है तो क्या हो जाएगा, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 117 है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस हैव इन हैविंग। तो वायरॉइड्स वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं, वायरॉइड्स में क्या है, इन हैविंग, वन डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, टू डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, थ्री डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, फोर आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। तो वायरॉइड्स जो होते हैं या वायरॉइड्स जो हैं, वायरॉइड्स आर सब वायरल एजेंट्स। ये क्या है, ये सब वायरल एजेंट्स हैं एंड दे आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स। ये क्या है, आरएनए के पार्टिकल्स हैं और इनमें क्या है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं ये। इसलिए ऑप्शन फोर क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। क्वेश्चन नंबर 118 है, रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, वन मैच्योरेशन, टू इलांगेशन, थ्री रूट कैप, फोर मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो रूट हेयर इनमें से किस जोन में से डेवलप होता है, और इसका आंसर होगा मैच्योरेशन, क्योंकि इन रूट्स द रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, एंड दिस जोन इज डिफ्रेंशिएटेड जोन दस बेयरिंग रूट हेयर्स। ये काफी डिफ्रेंशिएटेड जोन है इसलिए इसमें हेयर होता है। इलांगेशन में क्या है कि वहां सेल सिर्फ इलांगेट होंगे, रूट कैप में रूट हेयर्स नहीं होते हैं, और मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी वहां सेल डिवीजन होगा, डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए वहां पे क्या है कि रूट हेयर डेवलप नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, कोकोनट फ्रूट इज अ, कोकोनट किस तरह का फ्रूट है, वन ड्रूप, टू बेरी, थ्री नट, फोर कैप्सूल। तो अगर हम सही तरीके से देखें तो कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप। क्या है, वो एक ड्रूप है, और ड्रूप किसको कहते हैं, ड्रूप डेवलप्स फ्रॉम अ मोनोकार्पिलरी, एक ही कार्पेल होगा, सुपीरियर ओवेरी जहां होगा, एंड दे आर वन सीडेड, उसमें एक ही सीड होगा, वो उनको हम ड्रूप कहते हैं। बोटानिकली भी अगर हम स्पीक बोले तो अ कोकोनट इज फाइबरस वन सीडेड ड्रूप, दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई ड्रूप, इसको ड्राई ड्रूप भी बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि लोग उसको नट के जैसे भी रेफर कर रहे हैं, बट करेक्टली और प्रिसाइसली स्पेसिफिकली वो क्या है, ड्रूप है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, ड्रूप। क्वेश्चन नंबर 120 जो है, क्वेश्चन है, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमैटोफोर्स। प्लांट्स जिसमें कि न्यूमैटोफोर्स होता है एंड शो विविपैरिटी, जो कि विविपैरिटी भी शो करेंगे, वो इनमें से किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वन मीजोफाइट, टू हेलोफाइट्स, थ्री जैमोफाइट्स, फोर हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें जो न्यूमैटोफोर है ये एक्चुअली हेलोफाइट्स का होता है, हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन सेलाइन सॉइल, जहाँ की सॉइल बहुत ही सेलाइन होगा, वहां पे नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी सॉइल में, तो उनमें हम विविपैरिटी देख सकते हैं, विच इज इंसिटु सीड जर्मिनेशन, और न्यूमैटोफोर फॉर्मेशन भी होता है कि जो रूट्स ऑफ द प्लांट है वो सॉइल के बाहर आ जाते हैं, न्यूमैटोफोर फॉर्म करते हैं, क्यों, ताकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले सके रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू, हेलोफाइट्स। अब इसी के साथ हम इसको समराइज कर लेते हैं, हमने यहाँ क्या किया, हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,
नीट के पेपर में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसको तीन अलग अलग सेट्स में डिस्कस करेंगे, 30 30 30 ईच सीक्वेंस है। हमने कोड कौन सा फॉलो किया है, कोड जो है वो ए है, और जो सेट था वो हमारा था ए पी आर ए अपरा, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड एज अ पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज अपनी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को देखने का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पासपोर्ट यूजर नहीं हैं तो प्लीज जल्दी से पासपोर्ट को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो हमारे टेस्ट हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे बोनस कंटेंट हैं जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। बाकी गुड लक फॉर नीट।